हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीम सीजी कुकिंग रेसिपीज। आज की रेसिपी है चिकन नगेट्स। बच्चे और बड़े हम सभी को ये बहुत पसंद है। ये बहुत टेस्टी होती है और बहुत आसानी से इसे आप घर में बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में चिकन नगेट्स की रेसिपी के साथ ही आप इसे कैसे फ्रोजन कर सकते हैं वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखे, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी। चिकन नगेट्स बनाने के लिए एक ब्लेंडिंग जार में मैंने लिया है 4 ब्रेड स्लाइसेस। इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब्स मैंने बना लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 250 ग्राम बोनलेस चिकन, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नगेट्स में। अब इन सारी चीजों को पीस के इसका एक दरदरा पेस्ट हम बना लेंगे। तो चिकन को मैंने पीस लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, एक कोर्स पेस्ट बनाकर तैयार किया है। आप भी ऐसा ही करें तो आपके चिकन नगेट्स बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अभी इस पेस्ट को एक मिक्सिंग बोल में हम निकाल लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक डो हम बना लेंगे। ऐसा करने से ये सॉफ्ट भी रहेंगे और इसे आप अच्छे से शेप दे पाएंगे। आप देख सकते हैं ये पहले से काफी सॉफ्ट और स्मूथ हो गई है। अभी हम बोर्ड में थोड़ा सा तेल लगाकर उसे ग्रीस कर लेंगे। अब इस डो को हम इस बोर्ड के ऊपर डाल देंगे और इसे हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम फ्लैट कर लेंगे। जितना मोटा या फिर पतला नगेट्स आपको बनाना है आप उस हिसाब से इसे फ्लैट कर लें। अभी स्क्वायर शेप में हम इसे काट लेंगे। आपको जो शेप और साइज पसंद हो आप उस हिसाब से इसे काट लें। अभी हम नगेट्स को कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक अंडा। इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून दूध और स्वाद अनुसार नमक। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अंडे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही मैंने कोटिंग के लिए लिया है ब्रेड क्रम्स। अभी हम नगेट्स को कोट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम एग मिक्सचर में डालेंगे, उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल के उसे अच्छे से कोट करेंगे। अभी हम इसे फिर से एग मिक्सचर में डाल देंगे और उसे फिर से हम ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। मैं नगेट्स को डबल कोट कर रही हूँ, इससे ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे सिंगल कोट भी कर सकते हैं। तो एक नगेट्स हमारा तैयार हो गया और बाकी नगेट्स को भी हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। तो सारे नगेट्स को मैंने कोट कर लिया है। इस स्टेज में आप नगेट्स को एक एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रोजन कर सकते हैं और 1 से 2 महीने तक आप इसे खा सकते हैं। अभी हम नगेट्स को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए मैंने तेल गरम किया है। तेल हमें बहुत ज्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम फ्लेम में ही हम नगेट्स को फ्राई करेंगे। थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे और अच्छी गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। और बाकी नगेट्स को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो फिर देखा आपने कितनी आसानी से बनकर तैयार हो गई ये चिकन नगेट्स। शॉप में तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसे घर में बनाएंगे तो ये हेल्दी भी बनेगी और टेस्टी भी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स उसे बहुत सारा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके चिकन नगेट्स कैसे बने। एक बार फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।